काली अंधेरी रात, गहरा सन्नाटा, दूर दूर तक ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बता। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तेरे चेहरे का दाग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सुन तो ले। मगर इस जंगल में ऐसा क्या है जो हम लोग रात में आए हैं? कुछ चीजें रात में ही जागृत होती है। अब ज्यादा बातें मत कर और चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल। दो लड़कियां जंगल में खंडर की तरफ जा रही थी। जंगल के बीचों बीच बने एक खंडर में पानी से भरा हुआ एक कटोरा रखा था। आसमान से एक बिजली धमाके के साथ जैसे ही उस पानी के कटोरे के अंदर आके गिरी, उस पानी का रंग बदल गया। पानी के अंदर बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लड़कियां धीरे धीरे चलते हुए खंडर तक पहुंच गई। सामने वही पानी का कटोरा रखा हुआ था। लो, हमारी मंजिल आ गई। अब इस पानी में मुंह धो ले तेरा और तेरे चेहरे का दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, हम लोग कहाँ पर हैं? मुझे एक बात बता, तुझे अपने चेहरे का दाग खत्म करना है या नहीं? वरना चल यार तू। अपनी सहेली को गुस्से में देखकर, जैसे ही उसने मुंह धोने के लिए हाथों में पानी लिया, उसके हाथों में तेज जलन होने लगी। वो घबरा कर अपनी सहेली की ओर देखने लगी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस खंडर में वो अकेली थी। तभी किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उस कटोरे के अंदर उसका मुंह डाल दिया। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। नलिनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? माँ, माँ वो माँ 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 मैंने ना मैंने फिर वही डरावना ख्वाब देखा माँ। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ये रहस्य और गहरा होता जा रहा है। किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं है? कल सुबह ही मंदिर के पंडित जी को बुलाकर तेरी कुंडली दिखाती हूँ। कहते हुए उन्हीं ने अपनी बेटी को तो सुला दिया, मगर वो वहीं उसी के पास बैठी थी। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर उनका अपनी बेटी के चेहरे पर बड़े से दाग की ओर ध्यान जा रहा था। पहले तो ये दाग बहुत छोटा था, मगर धीरे धीरे ये बड़ा हो गया है। कल ही मैं पुजारी जी को इसकी कुंडली दिखाती हूँ। पुजारी जी, आप ही बताइए मेरी बेटी की कुंडली में क्या ग्रह दोष है? उसके चेहरे का दाग ठीक होने की जगह बड़ा होता जा रहा है। ऊपर से आने वाले ये भयानक स्वप्न किसी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? माँ होने के नाते आपकी चिंता जायज है, मैं देखकर बताता हूँ। कई बार हमारे स्वप्न हमें पूर्व जन्म से भी जोड़ देते हैं। मैं कुंडली में देखकर बताता हूँ। कहते हुए पंडित जी उसकी कुंडली देखने लगते हैं। कुंडली देखते वक्त उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। वे कुछ कहना चाह रहे थे, मगर शब्द उनके मुंह पर आने से पहले ही रुक जाते थे। वे पूरी तरह पसीना पसीना हो गए। पुजारी जी, आपका चेहरा गंभीर होता जा रहा है, कुछ परेशानी है क्या? प्लीज मुझे बताइए, कोई दिक्कत है क्या पुजारी जी? ये पत्रिका बिल्कुल अलग है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कल मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो बिटिया के हाथों करवाने होंगे। कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तभी वहाँ नलिनी आए और पुजारी जी को प्रणाम करके अपनी माँ से पूछने लगी। माँ, पुजारी जी ने कुछ बताया क्या? माँ ने ना में गर्दन हिला दी। अब उनका भी मन बहुत बेचैन था। तभी नलिनी की सहेली सोम्या वहाँ आई। नलिनी, आज हम लोग प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ जानकारी लेने जंगल में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो अपनी माँ की ओर देखने लगी। माँ ने इशारे में उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में पहुँच गए। सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग चीजें तलाश रहे थे। सोम्या और नलिनी को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग अलग तरह के पत्थरों को ढूंढना था। वे लोग पत्थरों को ढूंढते हुए जंगल के कुछ ज्यादा ही भीतर चले गए। जैसे ही वे लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने सामने सपने वाला खंडर देख नलिनी की चीख निकल गई। सोम्या, चल यहाँ से, हमें यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से चल। अरे इतनी दूर आए हैं, वहाँ से पत्थर तो कलेक्ट करने दे। मगर नलिनी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जबरन ले गई। तभी उस खंडर में से दो बड़ी बड़ी चमकीली आंखें बाहर निकली। हवा में ही उसने चमगादड़ का रूप ले लिया और नलिनी का पीछा करने लगी। जैसे ही वे लोग अपने दोस्तों के पास पहुंची, सोम्या ने अपना हाथ नलिनी से छुड़ा लिया। मुझे तेरे साथ यह प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। ये ले, कलेक्ट किए हुए पत्थर और अपना कोई दूसरा पार्टनर तू ढूंढ ले।
कहकर गुस्से में सौम्या वहां से चली गई। नलिनी एक कोने में अकेली खड़ी थी। उस चमगादड़ ने एक बिल्ली के बच्चे का रूप लिया और नलिनी के पैरों के आसपास घूमने लगा। नलिनी ने उसे गोद में उठाकर अपने घर आ गई। उस बिल्ली की बड़ी बड़ी आंखें लाल रंग की हो गई थी। वो रात उस बिल्ली को अपने पास ही सुलाकर सो गई। देर रात जब 2 बजे उस बिल्ली ने अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए एक पिसाच में वो बदल गई। पिसाच धीरे धीरे नलिनी के बालों को सहला रहा था और फिर वो अपना मुंह नलिनी के कान के पास लाया और बोला, उठो अरे हुस्न की मलिका, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास आया है। कई जन्मों तक तुम्हारा इंतजार किया, मगर अब इस जन्म में हमारा मिलन होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए उसने उसके सिर पर चूम लिया, फिर गर्दन पर अपने दांत लगाकर उसका खून चूसने लगा। तभी नलिनी की माँ कमरे की ओर आ रही थी। उनके पैरों की आहट सुन के वो पिशाच फिर एक बिल्ली के बच्चे में बदल गया। माँ उसके कमरे में आई और उसे सुकून से सोते हुए देख राहत की सांस ली। कुछ ही दिन में मेरी बेटी का चेहरा कैसे मुरझा गया, कल फिर से पंडित जी से बात करूंगी। कहते हुए वो उसकी बालों को सहलाने लगी तो उस बिल्ली ने उसके हाथों पर पंजा मार दिया और उन्हें डराने लगी। ये कैसी जंगली बिल्ली को ले आई है नलिनी, इसे अभी उठाकर बाहर फेंक दे। कहते हुए उन्होंने उस बिल्ली को बाहर फेंका तो वो बिल्ली उड़ते हुए वापस वहीं पर आ गई और उसने इस बार उनके चेहरे पर वार कर दिया। वो दर्द से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब नलिनी की नींद खुली तो बिस्तर में वो बिल्ली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ, माँ कहाँ हो तुम? आवाज देते हुए नलिनी ने पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ लिया, मगर माँ कहीं भी नजर नहीं आई। वो बालकनी में आई तो माँ वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। माँ, क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी माँ तुम्हें? नलिनी के जगाने पर माँ को होश तो आया, मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं था। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है शरीर में जरा भी दम नहीं है, गर्दन भी बहुत दर्द कर रही है। रुक जा, मैं हाथ धोकर तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। आप रुको, आप आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। फिर ठीक है, तू बाजार जाकर सब्जी भी ले आ। माँ के कहने पर नलिनी बाजार तो गई, सब्जी की जगह मांस मछली उठा लाई और मांस मछली पकाने लगी। घर में उठती अजीब सी बदबू को सूंघकर माँ किचन में आई और बोली, हे राम, नलिनी ये क्या बना रही हो? वैष्णव के घर में मांस मछली? आज के पहले तो कभी तूने चीजों का हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, और ये तू आज क्या बना रही है? कहाँ से सीख कर आई है? चल हट, यहाँ पूरी रसोई भ्रष्ट कर दी तूने। माँ के कहने पर मानो नलिनी को होश आया और उसने अपने आसपास मछली और खून को देखकर उल्टियां करने लगी। सॉरी माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। माँ नौकरानी को बुलाकर ये सब कुछ साफ करने के लिए कह रही थी। फिर रसोई में गंगा जल छिड़क कर दोनों के लिए खाना बनाने लगती है। खाना खाकर नलिनी वहीं माँ की गोद में लेट जाती है। माँ, माँ सर में बहुत भारीपन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ऐसा कर, कॉलेज मत जा, आराम कर ले। माँ के कहने पर नलिनी सारा दिन सोती रही। शाम को भी माँ ने उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठी। शाम को माँ ने पुजारी जी के कहने पर पूरे घर में लोबान का धुआं किया। उस धुएं के कारण वो बिल्ली घर से भाग गई और नलिनी दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुन माँ ने वो धूपड़ भगवान के सामने रख दिया। कुछ देर बाद वापस नलिनी शांत होकर सो गई, मगर इस रात तकरीबन 3 बजे वो अपने पलंग पर से उठी और छत की तरफ जाने लगी। छत पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वहां छत पर वो बिल्ली का बच्चा भी था। उसने उस बिल्ली को गोद में लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगी। हमारा मिलन अब होकर रहेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। Ha 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 ha